एंड एविडेंस एक्ट श्री सतपाल सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर दे और समय देने के लिए मैं आपका तथा अपनी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन तीनों बिलों के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के समर्थन में खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, इन बिलों पर बोलने में मेरे लिए कि ऐतिहासिक दिन भी है और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात भी है। आई रिस्ट्रेन यू, डोंट अटर सच वर्ड्स इनसाइड द हाउस। यू नो नो, दिस इज गोइंग बियॉन्ड लिमिट। आई एम एवरीवन, बट यू आर ए सिंगल मेंबर इन द हाउस एंड यू विल स्पीक व्हेन योर टर्न विल कम। यू हैव टू वेट फॉर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी डिसाइड। You take your seat. You will be allowed to speak, but you have to take your seat. You will be allowed to speak, but you have to take your seat. As a member of the House, you will be allowed to speak. Repeatedly, I have been saying this. And you stop casting aspersion on the chair. That you have done. I don't want to quarrel with you inside this House, Mr. Satpal ji. अध्यक्ष महोदय, एवरीबॉडी हैज बीन वेटिंग, आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट विथ मी। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। सतपाल जी, अध्यक्ष महोदय, इन बिलों पर बोलने के लिए मेरे लिए कि ऐतिहासिक दिन भी है और बड़ा सौभाग्य का समय भी। इसके दो कारण हैं। जैसे आपने कहा, पुराने कानूनों को लागू करने के लिए और करवाने के लिए मैंने 33-34 वर्ष इस देश की सर्वोत्कृष्ट पुलिस सेवा में बिताए। बहुत बार, यस सर, थैंक यू सर, यस सर, सर मैंने बहुत बार देखा जब कोर्टों से फैसला आए, मैंने पुलिस को, राज्य सरकारों को, क्योंकि मैंने सीबीआई में भी काम किया, मैंने केंद्र सरकार को, इन एजेंसीज को अपने को असहाय पाते हुए देखा। मैंने पीड़ितों को, विक्टिम्स को कराहते हुए देखा। मैंने अपराधियों को और गुनहगारों को कानूनों की खिल्ली उड़ाते हुए, हंसते हुए देखा, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लोग बोलते थे जब से सर्विस हमने ज्वाइन करी, ये बार बार हम लोग सुनते थे कि इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे बहुत बार, जैसे आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, मैंने मुंबई जैसे शहरों में काम किया और कई बार पुलिस, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल होता दिखता था और इसलिए पब्लिक के प्रेशर में, सरकार के प्रेशर में बहुत बार पुलिस जो एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल मेथड्स को भी अपनाती थी, जिसको लोग एनकाउंटर्स कहते हैं, पुलिस एक्शंस कहते हैं। समय मिलेगा तो मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा। और मेरा दूसरा सौभाग्य इसलिए भी है बोलने के लिए कि इस हाउस में आने से पहले, इन बिलों के पेश होने से पहले, जिन स्टैंडिंग कमेटी के सामने, गृह विभाग के जिस स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बिल आए, उस होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी का भी मुझे एक सदस्य होने का सौभाग्य मिला, इन बिलों पर चर्चा करने का और अपने विचार रखने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात, क्योंकि हम लोग
एक सत्य सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं। इस सत्य सनातन संस्कृति के मूल और सार्वभौम ज्ञान के मूल वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया, वो मंत्र है ओम इंद्रम वर्धन्तो काप्तु रहे किरणमंतो हो विश्वमार्यम अब घनंतो अरावणे। ये मंत्र मैं इसलिए भी कोट कर रहा हूं कि 2011 में मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने का मौका मिला और हमारे एक पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप था, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का, वहां पर जो अंग्रेज लोग आए उनके जो प्रोफेसर थे ये बात बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि सारी दुनिया के अंदर पुलिसिंग सिस्टम हमने दिया, चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सब जगह हम लोगों ने पुलिसिंग सिस्टम दिया। मैंने उस समय भी उन अंग्रेजों के सामने, उन प्रोफेसर लोगों के सामने मैंने इस मंत्र को कोट किया था और ये मंत्र ये कहता है अगर हम जीवन में, समाज में, राष्ट्र में सुख समृद्धि शांति चाहते हैं, अगर हम सम्मान चाहते हैं, सतत प्रगति करना चाहते हैं तो देश में कानून का राज चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, सबकी सुरक्षा, सबको न्याय, सबको यथा आजादी। इस मंत्र के अंदर ये कहा गया नंबर एक, अच्छे विचारों, परंपरा, रीतियों, व्यक्तियों और संस्थाओं का संरक्षण करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, इंद्रम वर्धन तो अब तुरह। दूसरा, अबोध अज्ञानी दुर्व्यसनी आपराधिक प्रवृत्ति वालों को समझाओ, उनको शिक्षा दो, कानून बनाओ और कानून का प्रचार और प्रसार करो। और तीसरा ये भी कहते हैं कि अब घनन तो अरावण है, जिनको सुधारा नहीं जा सकता, जो सुधरना नहीं चाहते, जो इनकॉरिजिबल, अंग्रेजी में जिसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं, ऐसे दुष्टों को, सातिर हार्डकोर अपराधियों को, आतंकवादी जिहादियों को, चरमपंथियों को उनका दमन भी होना चाहिए, समन भी होना चाहिए, दफन भी होना चाहिए और उनका जरूरत पड़े तो उनका वध भी होना चाहिए। और मैंने कहा था इस देश और दुनिया के अंदर, क्योंकि भारतीय संस्कृति सबसे प्रथम संस्कृति विश्वभारा, सारी दुनिया को कानून सिखाने वाली, सारी दुनिया को संस्कृति सिखाने वाली इस देश की संस्कृति रही, उन्होंने इसको हमको इसका इन तीनों उद्देश्यों को लेकर के मैं कहता हूं आज के विधेयक आए हैं। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे संगठन सरकार में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूं। हम ये भी कहते हैं कि इंसाफ और न्याय से बढ़कर के दूसरा कोई अमृत नहीं, दूसरी को दवाई नहीं, और इस अमृत काल के अंदर ये तीनों विधायक, तीनों बिल मुझे लगता है इस अमृत काल का एक आधार बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा था इस पुरानी आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो अभी तक चालू है उसमें बहुत कमियां थी और कई बार हम लोगों ने जब से सर्विस ज्वाइन करी हमने जजों को भी सुना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सुना, इस देश के चीफ जस्टिस को भी सुना, सब लोग ये बोलते थे कि केस से इसमें सुधार होना चाहिए, करना चाहिए, बहुत कमियां थी। लोग बोलते थे, आज आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी भी कह रहे थे कि जिस प्रकार का एक जटिल समस्या, जटिल व्यवस्था थी, इस जटिल व्यवस्था के अंदर लोगों को, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता था, बहुत खर्चीली, वर्षों तक केस पेंडिंग है, कुछ तो है तो कहीं की पीढ़ियां, मैंने सीबीआई के अंदर देखा काम करते हुए 30-40 वर्षों तक क्रिमिनल केस जो है हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग रहे और उसमें इन्वेस्टिगेशन के भी तो प्रमाण की उसकी आज्ञा नहीं दी गई, ऐसे बहुत केस मैंने देखे। जिसको हम न्याय का मंदिर मानते हो वह न्याय अगर मिलता भी थे देरी से मिलता, जैसे आप भी कह रहे थे कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं देश के श्री के आर नारायणन जी, उन्होंने एक बार चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस में को एड्रेस करते हुए कुछ बातें कही थी, मैं उनको कोट करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था द कोर्ट्स इन इंडिया, द कोर्ट्स ऑन इंडिया आर नॉट कैथीड्रल, दे आर नॉट टेम्पल्स, द कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कैथीड्रल बट दे आर कैसीनोज, वो जुआ घर है, दे आर कैसीनोज।
Judgment depends on the throw of the dice. Judgment depends on the throw of the dice by the advocates, which are the advocates who throw phanse fekte hain, unke upar judgment depend karta hai. Judges do not give justice. Justice do not give justice. They give judgment. They give judgment. They pronounce judgments according to the evidence put up before them. Here the accused is more protected than the victim. और भी हम लोग जो मालूम है केस हमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रात के अंधेरे में रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है. पहले इसे हुआ ऐसे केसेस हैं और वो भी आतंकवादियों के लिए. आतंकवादियों के लिए जो आतंकवाद के उसमें है बड़े बड़े बम ब्लास्ट में जो लोग लिप्त थे उनके रात के अंधेरे में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है. पर गरीब लोगों के लिए 10 को लग जाते उनको सुनने की जब बारी आती है. इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार जो है ये हमारे जो कोर्ट हमारा जो अपना सिस्टम था ये बात पहले भी आई है कि कोर्ट में लगभग 5 करोड़ केस अभी भी पेंडिंग है जिसमें अराउंड 4.3 करोड़ जो जिला कोर्ट में पेंडिंग है. लो कन्विक्शन रेट इवन रेप में मर्डर के कई बार हम लोगों को मालूम है. जज भी समझता था कि मर्डर इसने किया है रेप इसने किया है लेकिन कन्विक्शन नहीं होता था. कमियां बहुत हैं. कोर्ट पुलिस की कमियां निकालते हैं. पुलिस वाले कोर्ट की कमियां निकालते हैं. विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं का कारण बहुत हैं. और कई ऐसे भी हमारे इस आईपी अभी जो आया है न्याय संहिता के अंदर कुछ अपराधों के अंदर दंड की राशि बहुत कमी थी. 10 रुपए का भी दंड 100 रुपए का भी दंड 500 रुपए का भी दंड जिसकी आज कोई कीमत नहीं है. अंडर ट्रायल की बात पहले आ चुकी है कि 77-80% अंडर ट्रायल है. आधुनिक तरीका का कोई इस्तेमाल नहीं था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ट्रायल की कोई सीमा नहीं थी. हम लोग इस बात पहले भी आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने कही है इसलिए मैं उस विषय में डिटेल में नहीं जाता कि नेशनल पुलिस कमीशन से लेकर जब हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन करी 1978 के अंदर इस देश के अंदर जो उस समय चल रहा था नेशनल पुलिस कमीशन बना था उससे लेकर के लॉ कमीशन है बैज बरुआ कमेटी बनी विश्वनाथन कमेटी बनी मलिमत कमेटी का 2003 में रिपोर्ट आई बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंट का जो कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट जिसको बोलते हैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए लेकिन वो धूल खाती रही. माधव मेनन कमेटी आई सभी ने इन क्रिमिनल कानून में संशोधन करने के लिए और इस क्रिमिनल सिस्टम में सुधार करने की बात करी लेकिन नहीं हुआ. हमारी होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी ने 3 बार 2005 में 2006 में 2010 में अपनी 111वीं 128वीं 146 रिपोर्ट के अंदर कहा कि पूरे के पूरे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है सुधारना चाहिए आमूल चूल परिवर्तन इसके अंदर करना चाहिए लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. इन कानूनों का बदलने का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है और इसलिए जब मोदी जी का भाग्य कहो या हम सब लोगों का सौभाग्य कहो कि हम सब लोग इसके साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन के कि काम जो है मोदी जी के हाथों हो रहा है. चाहे राम मंदिर का निर्माण हो चाहे इस नए संसद भवन का निर्माण हो चाहे जम्मू कश्मीर 370 धारा खत्म करना हो 3 तलाक खत्म करने हो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो या ओबीसी आयोग बनाने की बात हो इन सब का श्रेय जो है आदरणीय मोदी जी को जाता है. और मेरे इस विचार सबसे बड़ा काम जो है लेकिन इन सब बातों से अध्यक्ष महोदय मेरा ऐसा मानना है इस देश के 140 करोड़ देखो आज जो लोग हैं ये केवल नहीं लेकिन अगले आने वाले मुझे लगता है 100-150 वर्षों तक लोगों को न्याय देने का जो काम जो है ये कानून करेंगे. इसलिए मैं इन कानूनों कहता हूं कि सबसे बड़ा ये जो हमारे इस सरकार का जो मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा योगदान इस देश की जनता को होगा इन 3 कानूनों को देना है. हाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं. हम लोग कहते हैं कि दास्ता के सारे चिन्ह जो है खत्म होना चाहिए और ये हमारे इस बार जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गुलामी के सारे चिन्ह हमारे खत्म हो जाए. और मैं हमारे मित्र अभी तेजस्वी सूर्य ने एक बात कही थी और गार्जियन पेपर को उन्होंने कोट किया था मैं उसको नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से एक के बाद एक
दास्ता के जितने कम है धीरे धीरे कम के उसको जो खत्म किया जा रहा है। इसलिए 1562 पुराने जो कानून थे अंग्रेज जमाने के कानून थे जिसको रिडेंडेंट या जिसको बोलते थे कि एकदम जो है ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं उनको जो है हमारी सरकार ने आकर के उनको खत्म किया। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिया कि भाई पुराने सारे आपराधिक कानून को बदल कर नए कानून लाए जाए। और उसी दिशा में आदरणीय गृह मंत्री जी नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ जो काम आरंभ किया। कुछ जरूर बताना चाहता हूं, मैं डेट के साथ कुछ बताना चाहता हूं, वैसे मोटी मोटी बातें आई हैं कि 7 सितंबर 2019 को आदरणीय गृह मंत्री देश के सभी प्रदेशों के यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, मुख्यमंत्री को, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्टर सबको जो पत्र भेजे कि इन पे अपने सुझाव भेजे। 6 जनवरी और 7 जनवरी 2020 को भी पत्र लिखे अपने मुख्य न्यायाधीश को, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, बार काउंसिल को, लॉ यूनिवर्सिटीज को, लॉ इंस्टीट्यूट को। 2 मार्च 2020 में एक कमेटी बनाएगी जो हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के उसके नेतृत्व में। 31 बारह 2021 को फिर जो है सभी एमपीज को, दोनों हाउसेज के एमपीज को, लोकसभा राज्यसभा के सबको पत्र लिखे अगर उनका कुछ सुझाव, उनको सुझाव देना चाहिए। और इसने किस कमेटी के अंडर में इन्होंने फिर सब लोगों सुझाव मांगे, पूरे देश से सब जितने एक्सपर्ट थे, डोमेन एक्सपर्ट थे, हमारे जजेस थे, विधायक तो अपना लॉयर्स थे, सिविल सोसाइटी थी, लॉ यूनिवर्सिटीज थी, पर सबसे सजेशन मांगे। और इनके सब सजेशन आने के बाद सीबीआई, आईबी, बीपीआरडी जो हमारे पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन हैं, और लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने अपने जो सुझाव जो थे वो एमएचए को भेजे। और इस रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट जो है कमेटी ने रिपोर्ट जो एमएचए को फरवरी 2020 में दी। और जैसे पहले भी ये बात आ चुकी है कि मुझे नहीं लगता इस देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, दुनिया का कोई भी गृह मंत्री, कोई भी मंत्री नए कानून बनाने के लिए 158 टाइम्स उस मीटिंग में शामिल रहा हो और उस मीटिंग का जो है उन्होंने अध्यक्षता की हो। मुझको नहीं लगता ये ऐसा कहीं कहीं आपको हमको मिलेगा। हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी, और जैसे मैंने कहा था 11 अगस्त को ये जो कानून जो थे इस लोकसभा में पेश किए गए, तभी हमारी स्थायी संसदीय कमेटी को ये सौंपे गए। मैं हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी सदस्य थे, हमारे जो चेयरमैन रहे ब्रजलाल जी, उनको और जितने भी हमारे सदस्य रहे, मैं सबका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि सब लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ इन तीनों बिलों पर चर्चा की और अपने विचार उसके अंदर दिए। और उसी के परिणाम स्वरूप अब ये जो आए हैं उसमें कुछ सुझाव भी थे, भाषाओं की कुछ गलतियां भी थी, उसी के परिणाम स्वरूप पुराने बिलों को वापस लिया सरकार ने और 12 दिसंबर को दोबारा इनको जो वो किया गया। इन कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य है देश की कानून व्यवस्था को बहुत अधिक मजबूत करना, लीगल प्रोसेस जो न्यायिक प्रक्रिया उसको सरल व सुगम बना ताकि एक जो गरीब आदमी उसका फायदा उठा सके, सामान्य गरीब आदमी को त्वरित न्याय मिल सके, एक नागरिक सेंट्रिक, नागरिक केंद्रित जिसको सिटीजन सेंट्रिक बोलते हैं, एक न्यायिक व्यवस्था प्रदान करना और लोगों का जीवन जीना आसान बना जिसको हम बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग। और वर्तमान में ब्रिटिश जमाने के कानूनों का उद्देश्य केवल, जैसे पहले भी आपने भी कहा था ये अध्यक्ष महोदय, कि न्याय के बजाय लोगों को जो है दंड देना, उसका मुख्य बदलाव का काफी बात आ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। कुछ हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी में हमारे कुछ सम्मान्य सदस्य थे, उनका एक बड़ा आक्षेप था, विशेष रूप से जो अपने तमिलनाडु के जो हमारे दुर्भाग्य से आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो आक्षेप था वो आक्षेप ये था कि इन कानूनों के अंदर भारतीय नाम क्यों रखा गया, भारतीय नहीं होना चाहिए था, भारत नहीं आना चाहिए था, ये इंडियन होना चाहिए था। मैं तब भी बोला था, आज उस बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं, इंडिया दास्ता का गुलामी का चिन्ह है, भारत हमारा गौरव है और इसलिए हमको जो है इसका भारतीय नाम चाहिए। हमारा जो हमारे उस देश के अंदर, जैसे मैंने कहा, हमारे सत्यमेव जयते भारत सरकार का उस संस्कृत के अंदर है, आर्मी का जो है मोटा सेवा अस्माकम धर्मो वो संस्कृत के अंदर है, हमारा समम वो वरुण है वो नेवी का मोटो है, नभ है स्पर्शम दीप्तम वो एयरफोर्स का मोटो है,
ये ऐसे है सुप्तेश सुजागरती, ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया का है, आईबी हमारा उसका जागृत है, निशम है, इनकम टैक्स का कोसा है, मूलो डंडा है, ये हमारा इनकम टैक्स का है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे इस उसके देश के बहुत से हमारे देश के अंदर जो है, जो हमारी संस्थाएं हैं, इस देश की संस्थाएं हैं, उनका जो है ये जिसको हम बोलते हैं उनका, हमारा सुप्रीम कोर्ट का यतो धर्मस्तत हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का मोटो ही है यतो धर्मस्तत हो जाए, वो भी संस्कृत के अंदर है। और आप जब कुछ आपका आश्चर्य होगा अगर वो सामने होते मैं उनको बताता, जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे हमारे तमिल के फ्रेंड, उनके उनके ज्यादातर उनके नाम, उनके परिवार के सदस्यों के नाम वो ज्यादातर संस्कृत में, और मुझे लगता है कि दे शुड नॉट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड आई अप्रिशिएट दिस कि द कोर कल्चर ऑफ तमिलनाडु इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू भारतीयता। ये हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए। एक तो मैं कहना था, उन्होंने कहा कि नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन का 348 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 348 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो भी हमारे ऑथोरिटिव टेक्स्ट है ऑल बिल्स एंड एक्ट शुड बी इन इंग्लिश अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। इसने कहा कि नहीं उसमें इंग्लिश में होना चाहिए। मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय अब समय आ गया है, मैं भारत सरकार से माननीय मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस सेक्शन को भी, इस आर्टिकल को भी आज बदलने की जरूरत है कि हमारे जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर सारी की सारी प्रोसीडिंग इंग्लिश के अंदर होगी। ये भी 348 आर्टिकल बोलता है, और जो हमारे जितने टेक्स्ट हैं, जितने बिल हैं, उसका इंग्लिश में होना चाहिए, इसको आज बदलने की जरूरत है। ये भी एक दास्ता का निशान है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सारा का सारा जो हियरिंग होगा, जो जजमेंट आएंगे, वो सब इंग्लिश के अंदर होंगे। एक तो मैं एक कहना चाहता, मैं अपनी कुछ बात मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं और जो महत्वपूर्ण सुझाव है। मेरा पहला सुझाव यह है कि इस देश के अंदर सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ की हम बात करते हैं, कानून की निगाह में सब लोग बराबर हैं। हम लोग जो हैं, एक आदमी जो अपने घर में एक बिजली का बल्ब लगाने के लिए, बिजली का बल्ब जलाने के लिए बिजली की चोरी करता है उसके लिए, और एक आदमी जो इलीगल रूप से अवैध रूप से 24 घंटे करोड़ों की फैक्ट्री चलाता है उसके लिए, दोनों के लिए दंड बराबर है। एक आदमी अपने पेट के लिए चोरी करता है, एक आदमी एक बड़ा उद्योगपति सैकड़ों और हजारों करोड़ के चोरी करता है उसके लिए भी दंड एक है। ये ऐसा है किसी किसान के खेत में अगर थोड़ा सा कुछ किसी ने घास किसी खरगोश ने खा लिए, रामकृपाल जी, किसी खरगोश ने अगर कोई थोड़ा सा घास खा लिया किसी के खेत में और एक हाथी ने खा लिया, दोनों को एक एक डंडा मारो, क्योंकि जो है दंड एक ही है, दोनों को एक एक डंडा मारो। एक डंडा मारने से खरगोश बेचारा मर जाएगा, हाथी को कुछ होगा नहीं, इसलिए इसे कानून को बदलने की जरूरत है। नंबर दो, हमारे यहां मैं इसलिए यह भी बताना चाहता हूं, पहले हम लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर जिसने कानून दिया उसको मनु महाराज बोलते हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर और आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर ये लिखा है, जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा अपराध करेगा, जितने बड़े पद पर होगा, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा ऊंची प्रतिष्ठा का होगा, उसको दंड भी इतने ही गुना मिलना चाहिए। इसलिए हमारे कानून के अंदर ही बदलाव भी आना चाहिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हमारे एक साथी ने इस बात का जिक्र किया था, मोदी जी जिस श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जी हाँ जी अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे बच्चों में नैतिकता है, इसलिए हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई ताकि हमारे बच्चों को हमारे स्कूल और कॉलेजों के अंदर मॉरल एजुकेशन दी जा सके, नैतिक शिक्षा दी जा सके, हम अपनी विरासत पर गर्व कर सके। और विरासत किसी ईंट पत्थरों का नाम नहीं है, विरासत विचारों का नाम है, विरासत जो है उनका जो है सदाचार और संस्कृति का नाम है। और इसलिए इसके अंदर श्रेष्ठ भारत के परिवारों में अच्छा चरित्र हो, श्रेष्ठ चरित्र हो, वहां स्वतंत्रता भी हो, वहां स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए, वहां फ्रीडम होना चाहिए,
फ्रीडम होना चाहिए लेकिन लिमिटलेस लिबर्टीज नहीं होना चाहिए। और इसी के तहत हम जानते हैं कि जब नदी जो किनारों के बीच में बहती है तो जीवन देती है, और जब किनारे तोड़ करके बहती है तो विनाश करती है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय दो बातों के लिए आपका जो है आपके माध्यम सरकार का आधार करना चाहता हूं कि हमारे इन बिलों के अंदर और हमारी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी बात डिस्कस हुई है, हमारा सेक्शन 377 जिसको हम नेचुरल सेक्स बोलते हैं, अप्राकृतिक मैथुन बोलते हैं उसको, और 497 जिसको अडल्ट्री अडल्ट्री या बेवफाई कहते हैं, इन दोनों सेक्शन को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के तहत 2018 में वो आया, उनको कहा कि ये दोनों के दोनों जो कानून हैं ये नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, इसलिए इनको जो है खत्म किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बात कही कि व्यक्ति को सेक्सुअल चॉइस के उसके फ्रीडम देना चाहिए, और जब 497 की बात करते हैं हम जहां अडल्ट्री खत्म करने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है अगर आदमी को जरूरत आदमी को जो है स्वायत्ता है तो एक महिला को उसकी पत्नी को भी स्वायत्ता है। हम अपने परिवारों को बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद बनाना चाहते हैं। कौन चाहेगा, हम में से कौन कौन सम्मान्य सदस्य आएगा कि मेरे परिवार में जो है इसके बारे में जो है ये आजादी दी जाए, बच्चों को आजादी दी जाए, जहां मन करे वहां यौन संबंध बनाओ, वहां अपने सेक्सुअल रिलेशंस बनाओ। ये कौन जज इस बात को चाहेगा कि उनके बच्चों के साथ उसका ऐसा हो। तो इसलिए मैं इस बात को मैं ये कहना चाहता हूं, इस पर जरूर जो है विचारोगे है, जहां अगर हम ऐसा होगा परिवार टूटेंगे, जब परिवार टूटेंगे तलाक बढ़ेंगे, परिवार टूटेंगे तो बच्चे जुविनाइल बनेंगे, जो हमारे बच्चे जो है जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद इन कंफ्लिक्ट विद द लॉ होंगे, और जब ये होगा उससे जो है बाद में जाकर संगीन अपराधी बनेंगे। इसलिए मैं इस बात को रिक्वेस्ट करूंगा। मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे अभी रिसेंटली 1 सितंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने एक बहुत अच्छी बात की, और मैं उसको पढ़ना चाहता कोट करना चाहता हूं, और रिपीलिंग सेक्शन 377 एंड आई एड 497 दिस अडल्ट्री अपीयर्स टू बी रॉन्ग वेयर मोरलिटी विल एग्जिस्ट। सर आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सिद्धार्थ हू रिसेंटली सेड स्टेटेड कैटेगोरिकली इन अ जजमेंट दैट देयर इज अ सिस्टमेटिक डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग पार्टनर्स every season cannot be considered as a hallmark of a stable and healthy society and youth get attracted to such a philosophy. hum to ek acha desh banana chahte hain, ek aisa desh banana chahte hain jo duniya ka sirmor bane, jo duniya ka vishwaguru banane, aur isliye main ye request karunga ki for the 377 mein to ye bhi ho gaya ki koi adult male ho uske sath koi zabardasti kisne kiya, he has no recourse to go ना उसका कहीं कोर्ट में जा सकता क्योंकि ये सब खत्म हो गया। इसे 377 एंड 497 को हमारे इन कानूनों में जो है जगह देना चाहिए। एक और बात मैं जरूर करना चाहता हूं, हमारे वीरी राम साहब ने थोड़ी बात कही थी हमारे पुलिस के बारे में, हमारे पहले अंग्रेजों ने कहा कि पुलिस के ऊपर भरोसा मत करो, पुलिस ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उस पर भरोसा मत करो। अभी वही बात है, यह भी एक दास्ता का चिन्ह है, यह गुलामी की निशानी। क्यों, क्या हम पुलिस पर भरोसा नहीं करते? हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं, इस देश का बंदोबस्त करने के लिए जितने पर्व त्योहार सब कुछ हम उन पर पुलिस वालों पर भरोसा करते हैं, हम इनकम टैक्स के अंदर काम करने वाला एक क्लर्क पर भरोसा करते हैं, उसके अंदर जो जवान इनकम टैक्स हो, कस्टम हो, ईडी हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करने वाला हो, सब पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करना, ये कहां का न्याय है? हो सकता है कुछ लोगों के भी आया हो कि कुछ लोगों ने कुछ गलती की होगी, कुछ लोगों ने कुछ बेईमानी की होगी, लेकिन कौन सा ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट है जिसका हम कह सकते हैं कि उसके किसी भी सरकारी कर्मचारी ने या अधिकारी ने कोई बेईमानी नहीं की होगी? उनके ऊपर विश्वास करते हैं हम लोग, और पुलिस के विश्वास। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इस देश के 140 करोड़ लोगों को आजादी दी, उनको ये कहा अरे नौजवानों जिनको रोजगार चाहिए अपने जितने सर्टिफिकेट है डिग्री है उसको सेल्फ अटेस्ट करो, खुद उस गलती करो, हम उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपनी ही बनाई हुई पुलिस पर
यही तो इस ये पार्लियामेंट, इस देश की पार्लियामेंट, अपनी बनाई हुई पुलिस, अपने बनाए हुए कानूनों पर बनाई हुई पुलिस पे हम उसे विश्वास नहीं करेंगे? हम विश्वास नहीं करेंगे तो विदेशी लोग कैसे विश्वास करेंगे? आज हम इस देश की इज्जत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अब हमारे कोर्ट विश्वास नहीं करेंगे तो विदेशी कोर्ट कह रहे पुलिस के कथन पर, पुलिस के डॉक्यूमेंट पर विश्वास करेंगे? इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि इसको जो है पुलिस का जो भी स्टेटमेंट है, और आजकल तो हमें आईपीसी में बात आई है, एविडेंस एक्ट के अंदर ही बात आई है कि इलेक्ट्रॉनिक, अभी तेजस्वी सूर्य बोल भी रहे थे किसी का स्टेटमेंट आपको रिकॉर्ड करना है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर पुलिस कर रही है तब भी उसमें भरोसा नहीं करना? ये कहां का न्याय है? मुझको लगता है अगर इस बात को हम खत्म नहीं करेंगे, हमको देखो कोई माफ नहीं करेगा। आज लगभग 50 लाख, अध्यक्ष महोदय, लगभग 50 लाख पुलिस परिवार हम सब लोगों की तरह तक तकड़ी लगाए देख रही है, इस सदन की तरफ देख रही है, जिनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, सुरक्षा के भरोसा करते हैं, क्या उनको हम जो है न्याय नहीं देंगे? ये सब देख रहे हैं, क्या उन पर हम विश्वास नहीं करेंगे? आज जरूरत है कि हम जो है इन पर, पुलिस पर विश्वास करना सीखें और इसको हम जो है उसको चेंज करें। एक बात में और जरूर मैं क्या कहना चाहता हूं, वो हाँ जी जी, अब कृपया दुनिया में जी। मैं जल्दी कर देता हूं जी जी, दुनिया के जितने विकसित देश हैं, हम लोग अंग्रेजों का हम उनकी नकल उतारते थे। अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए कानून बना के पुलिस पर विश्वास नहीं करना, अंग्रेजों ने अपने देश के अंदर कानून बना के पुलिस पर विश्वास करना। अंग्रेजों के अंदर आज भी इवन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट करता है, कंडक्ट करता है। मैंने देखा है खुद लंदन के अंदर, मैंने देखा है, मुझे वहां कोर्ट में जाने का मौका मिला। आज भी इंग्लैंड के अंदर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, कौन एक्यूज है, कौन आरोपी है, ये वहां पुलिस वाले करते हैं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं आता, कोई जज नहीं आता। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं सब जगह पुलिस पर भरोसा करते हैं। अरे हम तो इस देश को, मोदी जी, इस देश पूर्ण विकसित देश बनाना चाहते हैं, 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनाना चाहते हैं। ये कानून तो बहुत लंबे समय तक काम करेंगे। इस देश को पूर्ण विकसित देश बनाने के लिए क्या हम पुलिस पर जो है विश्वास नहीं करेंगे? इसका भी मैं अध्यक्ष महोदय इस बात का मैं वो करना चाहता हूँ, और बहुत विनम्र मेरा जो है विनम्र अनुरोध है इस बात के बारे में, इस बारे में बहुत गंभीरता से हम लोगों को सोचने की जरूरत है। फूड एडल्ट्रेशन के बारे में बात आई है, वो बात सही है कि 6 महीने का जो सजा है वो बहुत कम है। आज जो है ये बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, जितनी ज्यादा मिलावट होती है, सवेरे चाय से लेकर दूध से लेकर चाय से लेकर हर एक चीज के अंदर आज मिलावट है, लेकिन हम लोग जो है उसमें दंड करते हैं, 6 महीने का दंड करते हैं। मुझको लगता है इसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा इसके अंदर जरूर होना चाहिए, ताकि हर एक केस के अंदर हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट को बुला सकें और उनको जो अच्छे उनको जो है दंड कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय मुझे दिया, मुझे और कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताना चाह रहा था, ये 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा, मोटी इफ यू अलाउ मी। देखिए मैं विशेष रूप से सीआरपीसी को कुछ बातें बताना, मुझे एक बात और कहनी थी, मैं समझता था आखिरी बात है शायद, ऐसा कह के आपने कई बार एक बात कई बार कही ना, तो मैं समझा शायद कंक्लूड कर रहा हूँ। आप कहिए, ये होता है कई बार। नो 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 नो, I am not asking to do that. Just नहीं, नहीं, please conclude. मैं अध्यक्ष महोदय, हमारे सीआरपीसी में एक बात अभी आया है, एविडेंस एक्ट के अंदर एक नया प्रोविजन किया। प्रोविजन क्या है कि जो एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे जो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनको कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर विश्वास किया जाएगा। अभी लंदन में हमारा केस चल रहा है, हमारे देश के कई केसेस चल रहे हैं, हमारे लोग जाते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट वहां पेश करते हैं उनको विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने ऐसा कानून यहां पर बनाया है। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर हम लोग एक्सपर्ट के ऊपर विश्वास, क्या पुलिस एक्सपर्ट नहीं है? पुलिस भी क्रिमिनल सिस्टम का, उसका वो भी एक्सपर्ट है, उसने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं दे शुड बी कंसिडर एग्जीबिटेड, दे शुड ऑल्सो बी नोट कार्ड। उसके बाद एक निवेदन ये है कि जब ट्रायल शुरू होने से पहले एक्यूज के लोगों को बुला के डिफेंस काउंसिल को बुलाकर उनको पूछो कौन से डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्टेबल है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स वो कहते हैं कि मुझे एक्सेप्टेबल है, उनको प्रूव करने की जरूरत जो है नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे मेरा जो है आपसे। एक और मैं लास्ट बात कर रहा हूं, सुनना, पुराने कानून में सीआरपीसी में एक सेक्शन है 162, उस 162 के तहत अगर पुलिस किसी का बयान लेती है, किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो उस पर उसके साइन नहीं लेती,
लेकिन दुनिया में सब जगह साइन लिए जाते हैं। आज भी उसी को 182 के तहत उसको जो ऐसे रखा गया है। आज सारी दुनिया के अंदर अगर किसी सब जगह सारी दुनिया के अंदर वहां जो है विटनेस के ऊपर उसके से साइन ले जाते हैं, साक्षीदार के साइन ले जाते हैं। नहीं तो जज है, मैंने कहा था बहुत से कन्विक्शन रेट इसलिए हम नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे जो विटनेस हैं, साक्षीदार हैं, वो कल को होस्टाइल हो जाते हैं, इसलिए उनके साइन करवाने चाहिए। 182 में के अंदर हमको ये चेंज आना चाहिए कि जितने भी स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड करेगी वो दे मस्ट बी साइंड बाय द कंसर्न विटनेस। ये मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, खैर आपने मुझे बहुत समय दिया, वैसे तो मैं दो चार बातें और कहना चाहता था मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बोलना जो मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोलेंगे? जी जी जी, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डीके बसु जजमेंट दिया। ये डीके बसु जजमेंट कहता है एक्यूज को पकड़ोगे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन को हर एवरी 48 आवर्स, हर 48 घंटे के अंदर जो है पुलिस कस्टडी में उसको एग्जामिन कर, सवेरे से लेकर के शाम तक पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर बैठे रहते हैं, कौन को मेडिकल एग्जामिन नहीं करता, सारा दिन बर्बाद हो जाता है, उसकी रिपोर्ट मिलती नहीं है। इसलिए इस बारे में भी मैं कहता हूं ये जो अभी जो आया है अभी कानून में बहुत अच्छी बात आई कि उसका तुरंत जो है डॉक्टर को उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा। हथकड़ी लगाने के लिए कितना ही बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, हर बार जो है कोर्ट से पूछना पड़ता था कि हम साहब इसको नहीं तो, कई बार हम पुलिस वाले कहते थे, ये सच बता रहा हूं मैं आपको, कई बार पुलिस वाले जज को बोलते थे सर ये एक्यूज ऐसा आरोपी ऐसा है, अगर इसको हथकड़ी नहीं लगाई ये चप्पल फेंक कर मारेगा आपकी कुर्सी पर, तो एकदम जज अच्छा ऐसा है तो इसको हथकड़ी लगा लो, और हर बार के लिए उसको जो हथकड़ी लगा गला हर बार जो कोर्ट की परमिशन लगाए, तो मैं बड़ा बहुत अच्छा ये अभिनंदनीय है जो अभी जो प्रोविजन किया गया कि हथकड़ी लगाने का जो है पुलिस को किया गया है। ये सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट, कितनी बार जो है हम लोग अमुक समय जाते हैं हमारे पुलिस वाले, कितना पुलिस, मैं एक मिनट दे दो, जी जी, सर्विस ऑफ समन्स और वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत पुलिस वाले लगाए जाते हैं, कितना पुलिस बल उसमें लगता था। अभी जो है ये बहुत अच्छा प्रोविजन आया है कि इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, आप ईमेल भेज दीजिए, ये सब उसको माना जाएगा, इसे बहुत पुलिस को बहुत बड़ा इसका जो होगा उसका बहुत बड़ा फायदा इसका होगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी का 120 डेज के अंदर हुआ गया, अगर ऑथर नहीं दिया सैंक्शन तो इट वुड बी डीम टू हैव बीन गिवन। एक और 156(3), अगर पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती, लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में आजकल मालूम है नीचे के कोर्ट में कैसे काम होता है, आपके खिलाफ जो है 156(3) में केस रजिस्टर हो जाएगा। अब इसमें प्रोविजन किया गया जब तक आपको नहीं सुना जाएगा, जिसको आरोपी बनाया जाए जब तक उसको नहीं सुनाया जाएगा तब तक जो है केस रजिस्टर नहीं हो सकता। ये भी बहुत अभिनंदनीय जो है प्रोविजन जो है भारत सरकार ने किया है, इसलिए भी मैं उनका वो करता हूं। ये मैं तो अध्यक्ष महोदय आई थिंक हो गया काफी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनो ये अरे वो तो वो आपके लिए कह रहा हूँ, मैं सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये आप लोगों के फायदे में है कि पुलिस पर विश्वास किया जाए कोर्ट में, ये हम सब लोगों के फायदे में है। मैं कहना आधी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो है हमारा न्याय क्यों नहीं मिलता था, एडजोनमेंट आफ्टर एडजोनमेंट इन कोर्ट के अंदर होता था, लोग तो ये बोलते थे, अभी हमारे कुछ लोगों को बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए कि काले कोर्टों के चक्कर में जो है न्याय बेचारा रोता था। अभी काले कोर्ट वाले भी आने वाले हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और इसलिए केवल दो ही एडजोनमेंट होंगे, दो एडजोनमेंट से ज्यादा नहीं होगा, ये बहुत अच्छा उन्होंने जो किया जी है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपने मुझे इतना समय दिया है, हमारे सभी मित्रों का, सभी का, पार्टी का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री पी पी चौधरी जी।